just say this, that we are here, we are clear, we are free, we know what we are doing, so be it. पहली बात तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बहुत बार हम लोगों ने मीडिया में सुना कि हम लोग बंधक बनाए गए, तो आप सारे लोग देख सकते हैं कि हम लोग बंधक नहीं, स्वेच्छा से आए हुए। दूसरा, हम मध्य प्रदेश की तरफ जाएं तो मध्य प्रदेश सरकार जब बनी, सिंधिया जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए। हम लोगों को लगा कि सब ठीक ठाक रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जो कमलनाथ जी का व्यवहार हम लोगों ने देखा, मैं मंत्री रहते हुए कह सकता हूं कि कभी भी 15 मिनट भी उन्होंने हमको शांतिपूर्वक नहीं सुना। आखिर हम क्षेत्र की समस्याओं के बारे में किससे बात करेंगे? प्रॉब्लम ये है कि सिंधिया जी जैसा वरिष्ठ नेता देश का, अगर सिंधिया जी पर हमला हो सकता है तो हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। हमने कहा है कि हमको केंद्रीय सुरक्षा बल प्रदान करो, उसके साये में हम आज ही शाम के जाने को तैयार। जब एक वचन पत्र हमने तैयार किया था, उस समय वचन पत्र को लेकर देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी ने किसानों की बात उठाई, युवाओं की बात उठाई, दलित की बात उठाई, महिलाओं की बात उठाई, तो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा, जब उन्होंने कहा सड़क पर उतरेंगे, तो उन्होंने बोला सड़क पे उतर जाओ। ये बात और सुनो मैडम, हमारे जितने विधायक हैं, 22 पूरे मध्य प्रदेश के विधायकों से, मंत्रियों से पूछो, हमसे ज्यादा मंत्री और विधायक से ज्यादा शक्तिशाली अधिकारियों की चलती है, अधिकारियों की ज्यादा चलती है, समय का अभाव है। और ये जितने भी लोग आए, स्वयं अपनी स्वतः खुद की इच्छा से आए हैं, सरकार के पास समय नहीं है, समय का अभाव है, इसलिए हम लोग यहाँ पहुंचे। मैडम पूछ रही है कि अगर फिर से मिलने की कोशिश करें, सुन लो, हमारे मुख्यमंत्री को या तो मिलने की कहा, अगर हम कैमरे में भी बैठते तो एक मिनट में कहते चलो 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 चलो, तो उन्हें तो टेम ही नहीं है। मध्य प्रदेश के विधायक और मंत्री से मिलने का उन्हें, दलालों से मिलने का टेम है उन्हें, जो भ्रष्टाचारी है उनसे मिलने का टेम है। मतलब हमारे विधानसभा में उन्हें एक रुपए का भी काम नहीं दिया है, तो ऐसे मुख्यमंत्री के संग रहकर क्या करेंगे? और मैं वास्तव में अगर ज्योतिराज सिंधिया कहेंगे कुआं में कूद जाओ, तो कूदने को तैयार है मट्टी के। तो इस बात का संशय क्यों है कि हम भाजपा ज्वाइन करेंगे या अभी विचार कर रहे हैं? विचार करेंगे हम सब बैठ के, मध्य प्रदेश हमें केंद्र की पुलिस मिले, हम मध्य प्रदेश जाएंगे और वहाँ बैठ के अपना विचार करेंगे। हम इसमें विचार करेंगे, हम अब स्वतंत्र हो गए हैं और हम तो भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर दी है, मैं खासकर, बाकी लोगों को नहीं जानता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी। जो आपका सवाल है मैं बताऊं, चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद मैं नहीं वो ही ना करता हूँ, हम लोग राहुल गांधी के पास गए, राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं था, पार्टी के अध्यक्ष थे, मैं, बिसाऊलाल जी, केपी सिंह जी, इदल सिंह जी, हिना कावरे, हम सब उनके पास गए। पांच राहुल गांधी जी से हमने सबने कहा कि साहब हमारे साथ अन्याय हुआ है। राहुल जी ने पूछा चलिए आप बताइए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, मैंने कहा साहब सीनियोरिटी और मेरिट दो क्राइटेरिया होने चाहिए मंत्रिमंडल बनाने के, तो मुझसे बोले तुम तो 3 बार के हो, बिसाऊलाल जी 6 बार के, इदल सिंह जी 4 बार के, केपी सिंह जी 6 बार के, मैंने कहा साहब बिल्कुल सही, आप इनको बना दीजिए, हमें बनाइए, लेकिन ये सही है, मैंने कहा हमने माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी, हम सरकार बनाई। अभी एक नेता का बयान आया था कि इसलिए सरकार गिरने जा रही है क्योंकि भाजपा गिरा रही है, क्योंकि माफिया को हटाने, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया धार जिले में कांग्रेस पार्टी को चला रहा है, जिसने कांग्रेसियों की हत्या करी है, उसकी विधवा राघोगढ़ की बेटी आज भी न्याय मांग रही है, इसका जवाब न कमलनाथ जी के पास है न कांग्रेस। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।